गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो टूडे अवन एज स्टार्टेड योर द न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग इट इज द फिफ्थ चैप्टर ऑफ यो बुक एंड एज वेल एज मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले आता है चैप्टर का मतलब क्या है तो चैप्टर का जैसे नाम दे रखा है डाटा हैंडलिंग तो चैप्टर में आप स्टडी करेंगे डाटा डाटा का मतलब इन्फॉर्मेशन स्टोर करना अब वो इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो ठीक है उसके टाइम की कितने घंटे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा इसकी किसी बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए इसकी हो जाएगी मार्केट में आप कितनी बार गए और कितनी बार आपने सामान खरीदा क्या क्या सामान खरीदा उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो मतलब इन टोटल किसी भी पर्टिकुलर डाटा यानी इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना वो डाटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग आता है ठीक है अब वो डाटा हैंडलिंग कितनी तरीके से किया जा सकता है क्या क्या तरीके से किया जा सकता है वो सब चीजें आप यहां पर स्टडी करेंगे तो जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूं कि किस किस तरह के डाटा आपको यहाँ पर हैंडल करना है अब वो डाटा रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं तो देखिए पहला तरीका दे रखा है पिक्टोग्राफ ये मान लो कोई कार शोरूम है ठीक है उसमें जुलाई में कितनी कार सेल हुई या अगस्त में कितनी कार सेल हुई या सितंबर में कितनी कार सेल हुई इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चर के माध्यम से तो जो भी चीज़ पिक्चर्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट की जाती है उसे कहते हैं हम पिक्टोग्राफ यहां पर सिंबल्स को पिक्चर्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर हंड्रेड कार इज इक्वल टू वन सिंबल तो यहाँ पर दो सिंबल है मतलब टू हंड्रेड एक आधा है तो हंड्रेड का आधा हो जाएगा फिफ्टी यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है क्या टू फिफ्टी कार्स को तो इस तरह से यहाँ तीन पिक्चर्स हैं तो ये थ्री हंड्रेड हो गया यानी थ्री हंड्रेड कार को रिप्रेजेंट करता है मतलब अगर डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर के माध्यम से तो उसे आएंगे हम पिक्टोग्राफ सेकेंड नंबर पर आता है बारग्राफ तो बारग्राफ का मतलब क्या होता है बारग्राफ का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन इस तरह से डाटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं बिल्डिंग्स के रूप में अब ये बिल्डिंग्स हमारी क्या है अलग अलग है देखो ये बिल्डिंग अलग है ये अलग है ये अलग है ये अलग है ये अलग है सारी की सारी बिल्डिंग हमारी अलग अलग है ठीक है ना तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं बार ग्राफ ठीक है है देखिए ये भी आपको दे रखा दिस इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ डबल बार ग्राफ का मतलब एक ही इंफॉर्मेशन दो सिचुएशन के हिसाब से ली जा रही है एक दी गई हमारी टू थाउजेंड फाइव एंड सिक्स के लिए दूसरी ली गई सिक्स के लिए ठीक है तो ये भी हमारी अलग अलग बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स हैं तो अगर डाटा अलग अलग बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है बारोग्राफ दो बिल्डिंग एक साथ बनी हो तो डबल बारोग्राफ हो जाएगा ओके ये टेबल जो है ये रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थ्रू मार्क्स ठीक है यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स लिखे जाते हैं टेली मार्क्स लिखा जाता जा है अब टेली मार्क्स क्या होता तो है ये भी बता देते हैं ये होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई कितनी बार रिपीट हो रहा है जैसे मान लो आर्ट्स कितने बच्चों ने ली सात बच्चों ने ली तो सात बच्चों ने ली मतलब सात नंबर रिपीट हो गए सात बच्चों ने आर्ट लिए यानी कि आर्ट सात बार आया है यहां पर इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी सेवन अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है टेली मार्क्स के अकॉर्डिंग तो देखिए वन टू थ्री फोर फोर हम ऐसे स्टेट डंडे लगाते हैं और एक हमारा एक क्रॉस वाला फाइव का कहलाता है सेवन लेना है तो दो और लगा दिए तो फाइव और टू सेवन हो गए फाइव के लिए वही वन टू थ्री फोर और एक फाइव हो गया सिक्स लेना है तो वन टू थ्री फोर फाइव और ए वन सिक्स हो गया मतलब ये अगर डाटा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको हम कहते हैं मार्क्स फ्रीकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाई मार्क्स ओके अगर किसी डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए जीरो टू टेन है अब टेन यहाँ खत्म हुआ यहाँ टेन से फिर चालू 10 से 20, 20 से हुआ टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से खत्म हुआ ट्वेंटी से फिर चालू हुआ ट्वेंटी टू थर्टी ऐसे अगर आपको क्लास इंटरवल दे रखा होता है तो इसके थ्रू जो ग्राफ बनता है ये बिल्डिंग्स जो बनती हैं वो चुपकी हुई होती हैं देखो सभी बिल्डिंग्स एक दूसरे से चुपकी हुई है ना तो इस तरह का जो ग्राफ होता है इसे हम कहते हैं हिस्ट्रोग्राम ठीक है हिस्ट्रो तो ये बिल्डिंग्स बारग्राफ नहीं कहलाएंगे बारग्राफ अलग अलग बिल्डिंग होती हैं और बिल्डिंग अगर चुपक चुपकी हुई बनती हैं तो उसे कहेंगे हम हिस्ट्रोग्राम ओके नाउम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन तो फाइव पॉइंट है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्ट्रोग्राम टू शो मतलब इनमें से किस सिचुएशन के लिए आप हिस्ट्रोग्राम का यूज करोगे तो पहले लिखा है द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग यानी कि पोस्टमैन के, पोस्ट के बैग से डिफरेंट एरिया में जो लेटर पोस्ट किए गए उसका अब देखो हिस्टोग्राम तब बनता है जब एक दूसरे से चीजें रिलेटेड होती हैं अब एरिया रिलेटेड थोड़ी नहीं है तो ये हिस्टोग्राम नहीं रिप्रेजेंट करेगा द हाइट ऑफ कंपटिटर्स इन एथलीट मीट यानी कि एक व्यक्ति ने मान लो दस मीटर का लगाया एक ने मान लो पांच का लगाया एक ने चार का लगाया तो तीनों सारी वैल्यू अलग अलग है इनका कोई रिलेशन तो है नहीं तो इसमें भी हिस्टोग्राम नहीं बनेगा द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाई फाइव कंपनी ठीक है पांच कंपनियों के थ्रू नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस हुई अब ये नंबर ऑफ जो प्रोड्यूस हुई है उसके थ्रू भी नहीं बनेगा कारण कि ये भी क्या है, अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है अच्छा देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम सेवन ए एम टू सेवन पीएम एट अ स्टेशन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि सात से आठ के बीच में फिर आठ से नौ के बीच में नौ से दस के बीच में ये दोनों ये सब चीजें क्या है इंटर रिलेशन हो रहा है तो इसलिए इसमें हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा ओके okay, स्टूडेंट तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर वन करेंगे इसमें सिर्फ आपको रीजन बताना है और कुछ खास नहीं करना है ओनली रीजन किस में होगा किस में नहीं होगा नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है वो देखेंगे हम तो क्वेश्चन नंबर टू में आपसे कह रखा है द शॉपर्स हु कम हुपेंटल स्टोर एज मार्क एज मैन मैन के लिए इन्होंने एम को सिंबल बनाया वुमेन के लिए डब्ल्यू को बॉय के लिए बी को और गर्ल के लिए जी को द फॉलोइंग लिस्ट ये इतने सारे लोग आए ठीक है इतने सारे लोग आए तो इनके लिए क्या करना है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क मार्क्स का यूज करते हुए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है तो भाई क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू में हमें बनाना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स तो मैंने बताया शॉपर्स कौन कौन आए वो लिखा एम डब्ल्यू बी एन जी बता दिया कौन सा मतलब क्या है मार्क्स लिखेंगे और फ्रीकवेंसी फ्रिक्वेंसी का मतलब कौन कितनी बार आया इसे हमने देखा एम एम कितनी बार आया तो हम टेबल में देखेंगे एम कितनी बार आ रहा है मैंने अभी काउंट किया फिफ्टीन टाइम्स आया अब फिफ्टीन को हमें ये लिखना है कैसे करेंगे मैंने अभी आपको बताया था जैसे कि अगर आपको लिखना है फाइव तो वन टू थ्री फोर और फाइव के लिए एक लाइन बना देते हैं तो वही हमने यहाँ किया देखो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव 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 फिफ्टीन हो गए ऐसी वुमेंस यानी डब्लू को मैंने काउंट किया डब्ल्यू कितनी बार आया है उसमें तो डब्ल्यू आ रहा है ट्वेंटी एट टाइम्स तो ट्वेंटी एट को कैसे लिखेंगे देखो फाइव 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 ये ट्वेंटी फाइव हो गए और थ्री ट्वेंटी एट हो गए ऐसे बॉय बॉय काउंट किया हमने कितनी बार आ रहा है पांच बार आ रहा है तो पांच बार के लिए हो गई गर्ल ट्वेल्थ टाइम आ रही है तो फाइव फाइव और टू इस तरह से इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं ओके अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपसे आगे और भी पूछा गया ड्रॉ अ बारग्राफ टू इलिटरेट इट मतलब आपको ये बताना है बारग्राफ को ड्रॉ भी करके दिखाना है ठीक है देखिये बारग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं तो देखिए बार ग्राफ के लिए हमने क्या किया है यहाँ पर हम दो लाइन खींचेंगे एक ये हॉजेंट वर्टिकल लाइन एक ये हमने खींची है हॉर्जेंटल लाइन और ज़रूरत नहीं ऐसे ही लिखो आप आप नंबर यहाँ भी लगा सकते हो मैन वुमेन इधर भी लिख सकते हो इट्स योर चॉइस तो मैंने मैन वुमेन को यहाँ लिखा मैन वुमेन बॉय और गर्ल और यहाँ मैंने नंबर्स डाल दिए ठीक है तो नंबर्स जितनी मर्जी उतने नंबर डाल दीजिए ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन में हमारे मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं ट्वेंटी एट तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप टू से भी स्टार्ट कर सकते हैं जिस तरह से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं मतलब यह है कि हमारा ये सारा का सारा डाटा इसके अंदर आ जाना चाहिए तो पहले हमने ये देखा मैन मैन कितना आ रहा है फिफ्टीन तो हमने एक बिल्डिंग बनाई मैन की कहाँ तक के लिए फिफ्टीन के लिए बनाई ठीक है ना तो एक बिल्डिंग बना दी इसका नाम डाल दिया मैन दूसरी बिल्डिंग वुमेन की है कितना है ट्वेंटी एट तो देखिए हमने यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग बनाई ट्वेंटी एट के लिए ओके तीसरी बिल्डिंग बॉय फाइव के लिए देखो बॉय के लिए बनाई हमने फाइव और थर्ड बिल, फोर्थ बिल्डिंग है गर्ल्स के लिए कितनी है ट्वेल्व तो गर्ल्स के लिए हमने बिल्डिंग बना दी कितनी ट्वेल्व के लिए मैंने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ ताकि आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आए कि क्या होता है बारग्राफ तो मैंने कहा था अगर बिल्डिंग सेपरेट सेपरेट होती हैं तो उसे हम कहते हैं बारग्राफ तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बारग्राफ रिप्रजेंटेश ओके स्टूडेंट नंबर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड वाले में क्या रखा है द वीकली यानी कि किराया कह सकते हैं भाड़ा कह सकते हैं तीस वर्करों का ये दे रखा है ठीक है तीस वर्करों का वीकली वेजेस ये है, किसी को आठ सौ तीस रूपए मिलते हैं किसी को एट थर्टी फाइव मिलते हैं किसी को एट नाइन्टी रुपीज मिलते हैं ऐसे करके ये वेजेस दे रखा है आपसे क्या रखा है यूजिंग टेली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल एट हंड्रेड टू एट हंड्रेड टेन यानी कि इस तरह के इंटरवल का यूज करते हुए क्या करना है आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है मार्क्स वाली देखिए कैसे बनाएंगे तो देखिए हमें यह बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो कैसे करते हैं इस तरह से इंटरवल का यूज करके बनाना है तो पहले हमने लिखा है इंटरवल्स फिर टेलीमार्क्स और इधर फ्रीक्वेंसी तो कौन सा टेबल दे रखा है 800 से 810 हंड्रेड टेन दूसरा क्या है एट हंड्रेड टेन से एट हंड्रेड ट्वेंटी यानी दस दस का गैप आ रहा है तो देखो दस दस के गैप से हमने नंबरों को लिखना कि आठ सौ से आठ सौ दस फिर आठ सौ दस से आठ सौ बीस फिर आठ सौ बीस से आठ सौ तीस आठ सौ तीस से आठ सौ चालीस ऐसे करके हमने ये पूरे के पूरे वैल्यूज़ को लिखा कहाँ तक लिखा नाइन हंड्रेड तक जहाँ तक आपकी टेबल का लास्ट डिजिट है वहाँ तक इन नंबरों को लिखेंगे नाउ अब हमने ये देखा एट हंड्रेड से एट हंड्रेड टेन के बीच में कितने लोगों को वेजेस मिला है तो मैंने काउंट किया तो निकले हमारे थ्री तो तीन को हम टैली मास में कैसे लिखेंगे बस तीन डंडे बना दिए इसके बीच के कितने निकले टू तो दो डंडे बना दिए इसके बीच के कितने निकले वन तो एक डंडा बना दिया इसके बीच के कितने निकले नाइन तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव और फोर नाइन तो इस तरह से आप उस टेबल में से क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल गेट दिस ऑल द वैल्यू इसके बाद आप करेंगे टोटल तो इन सभी नंबर का टोटल अगर थर्टी आता है इसका मतलब हम सही जा रहे हैं क्यों क्योंकि टोटल वर्कर कितने थे थर्टी तो इन सब का एड करने पर आंसर कितना आना चाहिए थर्टी तो दिस इज कॉल योर टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओके स्टूडेंट ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर तो फोर्थ वाले में क्या क्या रखा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रिक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में जो डाटा दे रखा है उसका यूज करते हुए क्या बना हो एक हिस्ट्रोग्राम बना के देखा तो हिस्टोग्राम तो बताया था मैंने आपको कि अगर देखो ये नंबर रिपीट होता है तो क्या बनेगा हमेशा हिस्टोग्राम बनेगा ठीक है तो देखिए कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम और हाउ कैन बी गिव द आंसर ऑफ दीज गि थ्री क्वेश्चन ओके तो ओके स्टूडेंट नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ तो फोर्थ में क्या दे रखा था आपको देखो सबसे पहले तो इंटरवल्स दे रखा है ठीक है तो इंटरवल है तो मैंने कहा था इंटरवल आप यहाँ भी लिख सकते हो यहाँ भी लिख सकते हो तो मैंने यहाँ लिख दिया इंटरवल 800 फिर 810 फिर 20 फिर 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे करके 900 तक अब यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी के नंबर लिख दिए ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो भी हमें दे रखे थे वो तो एट से एट हंड्रेड पर कितने नंबर हैं थ्री नंबर्स हैं तो हमने यहाँ पर इसका बॉक्स बनाया थ्री का 810 से 820 पर कितने थे टू का तो हमने टू तक बॉक्स बनाया ऐसे ही इसका वन था तो वन बॉक्स तो जितने भी नंबर आपसे कहा जाए उसका हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे तो देखो सारी बिल्डिंग्स एक दूसरे से चुपकी हुई हैं। तो इसको कहते हैं हिस्ट्रोग्राम ठीक है इस तरह से आप क्या बना सकते हैं हिस्ट्रोग्राम बना सकते हैं अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर

तो ये या इससे ज्यादा में कितने हैं एक और तीन चार चार और एक पांच पांच और एक छह दस तो टोटल टेन वर्कर ऐसे हैं जो कि एट फिफ्टी या उससे ज्यादा कमाते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन एट फिफ्टी ऐसे कितने वर्कर हैं जो एट फिफ्टी से भी कम कमाते हैं तो एट फिफ्टी कहा है हमारा यहाँ पर एट फिफ्टी हमारा ये है तो इससे कम में ये सारे आएंगे तो ये सारे में कितना आ जाएगा फाइव और फोर नाइन फोरटीन फोर्टीन और वन फिफ्टीन फिफ्टीन और टू सेवनटीन सेवनटीन और थ्री ट्वेंटी तो ट्वेंटी वर्कर हमारे ऐसे हैं जो एट फिफ्टी से कम कमाते हैं ओके okay? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आंसर को लिख सकते हैं दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फोर ओके स्टूडेंट नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द नंबर ऑफ आवर्स फॉर which द स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास watched टेलीविजन ड्यूरिंग द holidays सोन इन द ग्राफ ग्राफ आगे दे रखा है उसमें बता रखा है आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैगजिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच द टीवी ठीक है कितने घंटे के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने टीवी देखा तो देखो ये जो ग्राफ है इसमें यहाँ पर हाउ मेनी आवर मतलब ये दे रखा है और ये दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सबसे ज्यादा कौन सा आवर है ये वाला है ठीक है फोर टू फाइव और कितने बच्चों ने देखा है थर्टी टू बच्चों ने देखा है तो अगर हम ये इसका आंसर निकालना चाहें फर्स्ट वाले का फॉर हाउ मैनी आवर्स इज द मैक्म नंबर ऑफ टीवी वॉच तो फॉर हाउ मैनी आवर के लिए क्या आ जाएगा फोर टू फाइव आवर्स ठीक है फोर टू फाइव आवर्स के लिए मैगजिम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने टी वी वॉच किया ओके इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन फोर आवर चार घंटे से भी कम समय के लिए कितने बच्चों ने टीवी देखा तो देखिए चार घंटे से भी कम समय तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा पूछा गया चार घंटे से कम समय के लिए तो चार घंटे ये हैं इससे कम समय के लिए ये सारे स्टूडेंट आ जाएंगे तो कितने स्टूडेंट ने देखा है फोर और एट ट्वेल्व ट्वेल्व और ट्वेंटी टू तो कितने हो जाएगा हमारा ये आंसर इज थर्टी फोर तो थर्टी फोर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चार घंटे से कम समय भी टीवी देखा ओके नाउ लुक द थर्ड पार्ट हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन फाइव आवर इन वॉचिंग टीवी पांच घंटे से ज्यादा समय ये पांच घंटे ये हो गया पांच घंटे से ज्यादा समय ये हो गया तो ये एट और सिक्स कितने हो गए एट एंड सिक्स फोर्टीन तो फोर्टीन स्टूडेंट्स ने क्या किया पांच घंटे से ज्यादा समय टीवी पर वॉच किया तो ये इस तरह से हम इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं ओके स्टूडेंट्स गुड बाय